खबर कानपुर उत्तर प्रदेश से है। विरोध कर रहे विधायकों की गिरफ्तारी और ईडी के नाम पर जारी उत्पीड़न के खिलाफ आज कानपुर में भी सापाई सड़क पर उतर आए। नगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान की अगुवाई में सापा कार्यकर्ताओं ने बरसते पानी में भी मौन धारणा दिया गया। चौधरी चरण सिंह प्रतिमा स्थल घंटाघर चौराहे में हुए मौन धारणा में कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। हाथों में नारे लिखी तख्तियां लिए पार्टी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश को प्रकट कर रहे थे। मौन धारणा की समाप्ति पर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान ने कहा कि ये घोर इमरजेंसी का युग चल रहा है, जहां विधायकों को भी अपनी बात कहने नहीं दी जाती है तो आम लोगों का क्या होगा। आम जनता की उपेक्षा होती है कि विधायक उनकी आवाज बनेंगे, उनकी दिक्कतों से अधिकारियों को रूबरू कराएंगे, लेकिन वर्तमान की भाजपा सरकार तानाशाह के रूप में कार्य कर रही है। विधानसभा में प्रदर्शन करने वाले विधायकों को नजरबंद और गिरफ्तार किया जा रहा है। ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। सापा प्रदेश कार्यालय को पुलिस की छावनी बनाकर नेताओं कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, जिसमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सामने देखिए भैया, सामने समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, लेकिन इस प्रदेश की सरकार लगता है लोकतंत्र में विश्वास नहीं रख रही है। जब चुने हुए जनप्रतिनिधि लखनऊ में अपनी बात कहने के लिए विधानसभा के बाहर धरने के लिए जा रहे थे तो उनको पार्टी कार्यालय से ही उठा लिया, और उठाने के बाद और उन लोगों को लगातार 2-3 घंटे तक अपने साथ में रखा। हमें यह कहना कि इस देश में लोकतंत्र है कि नहीं, प्रदेश में लोकतंत्र है कि नहीं, और यदि है तो अपनी बात जनप्रतिनिधियों को अपनी बात कहने का हक है, और उस बात को कहने के लिए आज हम लोग यहाँ पे खामोशी के साथ मौन धरना शांतिपूर्वक यहाँ पे बरसते पानी में हम लोग बैठे हुए हैं ताकि अपनी बात कर सकें। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि देश में लोकतंत्र है, जनप्रतिनिधियों को अपनी बात कहने का हक है, उनको अपनी बात कहने दी जाए। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र का समर्थन करती है, ये प्रदेश की सरकार लोकतंत्र को भूल चुकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।